नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 2095 मामलों का निष्पादन करते हुए 2,17,75,000 का सुलह समझौता किया गया। 14 पीड़ित परिवार के बीच 70 लाख रुपए की मुआवजा राशि का वितरण किया गया। बैंकिंग, बिजली, टेलीफोन, उत्पाद, वन विभाग सहित सभी तरह के सुलहनीय वादों के निष्पादन के लिए यहां 11 बेंच बनाए गए थे। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार उपभोक्ता फोरम को भी शामिल किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में आज कुल 2095 वादों का निष्पादन करते हुए 2,17,75,289 रुपए का सुलह समझौता किया गया। 14 पीड़ित परिवार के बीच 70 लाख रुपए मुआवजा राशि का वितरण किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला, उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा और प्रशिक्षु IAS रवि जैन द्वारा पीड़ित परिवार को चेक के जरिए मुआवजा राशि दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बिना किसी देर के आपसी सुलह के आधार पर लोगों को न्याय मिल सके। जिन लोगों ने कोर्ट फी पहले जमा कर दिया है, उन्हें वह पैसा वापस मिल जाएगा। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के लालसा के रिलीज पर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सभी तरह के जो कंपाउंडेबल केसेज हैं, फॉरेस्ट केसेज हैं, एक्साइज केसेज हैं, NI एक्ट है, या दीवानी मामले हैं, वो सिविल मैटर्स हैं, वो सारे केसेस आज आपसी सुलह के आधार पर निपटारा किए जाएंगे। और इसका पर्पज है ताकि बिना किसी लिटिगेशन के, बिना डिले हुए और आपसी सहमति के आधार पर जल्दी जल्दी केसों का निपटारा हो सके। और इसमें कोर्ट फी अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो कोर्ट फी रिफंड हो जाएगा, और अगर कोर्ट फी नहीं पे हुआ है, प्री लिटिगेशन है, अभी लिटिगेशन पैदा होने की संभावना है, तो वो केस भी टेकअप किया जा रहा है। तो इस तरह से लोग जो है, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। लोगों को इसमें रेप केसेज हैं या मर्डर केसेज हैं या एसिड अटैक के मैटर्स हैं, तो उसमें जो ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि मिल रही है, वो जो यहाँ कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने डिसाइड किया है कि लोग इंटाइटल हैं इतने मामलों के लिए, तो उस इंटाइटलमेंट के आधार पर उस चेक उनकी सुख। तीरंदाजी, फुटबॉल और हॉकी के बाद अब बैडमिंटन को बढ़ावा देने का प्रयास पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। चाईबासा में पहली बार बैडमिंटन के लिए डे बोर्डिंग सेंटर खोला जा रहा है, जहां 20 लड़कों और 20 लड़कियों को बैडमिंटन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेंटर का संचालन बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इसके लिए आज चयन ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से 10 से 12 साल के बच्चों ने हिस्सा लिया। बैडमिंटन को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर सेंटर पर पहुंचे हुए थे और चयन ट्रायल में बच्चे हिस्सा ले रहे थे। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने बताया कि बाकी खेलों के लिए आवासीय और डे बोर्डिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, अब बैडमिंटन के लिए तैयारी की जा रही है ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल सके और वह खेल के जरिए आगे बढ़ सके। सरकार द्वारा डे बोर्डिंग योजना जो पूरे झारखंड में है, उसका यहाँ पर आज बैडमिंटन के लिए ट्रायल हो रहा है। ये पहला डे बोर्डिंग बैडमिंटन सेंटर खुलेगा पश्चिम सिंहभूम में, पूरे पश्चिम सिंहभूम में, वो भी बैडमिंटन का। उसी का हम लोग चयन ट्रायल करवा रहे हैं, जिसमें 10 से 14 साल के बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनका चयन किया जाएगा, जो प्रतिदिन अपने घर से आएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और वापस घर जाएंगे। प्रति माह उनको 500 रुपये, स्पोर्ट्स किट और उच्च प्रशिक्षण दिया जाएगा। टोटल कितने लोग को लेना है? टोटल 20 बालक एवं 20 बालिकाओं का सिलेक्शन किया जाना है। गोइलकेरा प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक समिति के गोइलकेरा प्रखंड अध्यक्ष अकबर खान की अध्यक्षता में गोइलकेरा प्रखंड सभागार में हुई। बैठक में सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति प्रतिवेदन का आकलन किया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधीर कुमार, सभी विभागों के अधिकारी, NGO के प्रतिनिधि और
समिति के लोग शामिल थे। बैठक में विभिन्न स्कूलों में खराब पड़े सोलर जल मीनारों को मरम्मत कराने, बच्चों का बैंकों में खाता खुलवाने का मामला उठाया गया। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शुभ, जी हाँ, नीलम शुभ का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शुभ राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शुभ लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। भाजपा पिछड़ी जाति मोर्चा जगन्नाथपुर की बैठक जिला अध्यक्ष पंकज खिरवाल की अध्यक्षता में कल्याण मंडप में हुई। बैठक में 15 दिनों के अंदर प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पंकज खिरवाल ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में ओबीसी समाज सशक्त समाज के रूप में है। सशक्त समाज का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़े ताकि हम समाज के लिए और जिले के विकास के लिए अपना योगदान दे सकें। पिछड़ा जाति एकत्रित होकर एकमत होंगे तो जिले का दिशा और दशा अवश्य बदल जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष बंगाली प्रधान अशोक पान, जितेंद्र गुप्ता, राय भूमिज मंडल, कार्तिक गोप और नंदकिशोर गोप उपस्थित थे। आनंद मार यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल, जलवे देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिलफोड़ी और पूर्णिमा नेत्रालय की ओर से निःशुल्क एक दिवसीय मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 80 ग्रामीणों और विद्यार्थियों का नेत्र जांच किया गया, जिसमें 35 लोगों का चयन निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए किया गया था, जिनका ऑपरेशन 12 मार्च को पूर्णिमा नेत्रालय तामोसिया में किया गया। सोनुआ के पंसुआ डैम में अब स्पीड बोट से बोटिंग के साथ पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेंगे। पोड़ाहाट चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनुआ के पर्यटन स्थल पंसुआ डैम में आने वाले लोग अब स्पीड बोट से बोटिंग करते हुए यहां के प्राकृतिक छटा का आनंद उठाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा यहां पंसुआ डैम के मत्स्य पालन सहयोग समिति को 2 मोटर बोट दिया गया है। आज जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल, चक्रधरपुर के SDO अभिजीत सिन्हा और प्रशिक्षु IAS रवि जैन द्वारा यहां बोटिंग का उद्घाटन किया गया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि अब पंसुआ डैम में बोटिंग शुरू होने से यह पर्यटन स्थल विकसित होगा। दौरान हम लोग यहाँ पर सभी जो हमारी फिशरीज की कोऑपरेटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मोटर बोट दे रहे हैं। यहाँ पर मोटर बोट से उन लोग की फिशरी में बढ़ोतरी आ रही है। केज कल्चर यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, अब केज कल्चर में काम और आसानी से हो पा रहा है। उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी इन लोगों को आसानी प्राप्त हो रही है, इससे इनकी वृद्धि में आय होगा। उसी के इनॉग्रेशन के लिए और साथ ही परिसंपत्ति वितरण के लिए, जिसमें हम लोगों ने बायोफ्यूल टैंक और साथ ही साथ केज, लाइफ जैकेट इत्यादि का वितरण किया है, इसमें भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इनके साथ गोष्ठी की है इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो पर्यटन से संबंधित हो या फर्दर वो फिशरीज़ का क्या क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है, उसको हम HD में भी बना सकते हैं और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं। इस पर
लेके विचार विमर्श किया गया। मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में फिशरीज़ को एक हब के रूप में डेवलप किया जा सके, यही मेरी आशा है। सर, पूरे अगर हम चाईबासा ज़िले की अगर बात करें तो किस तरह से खास करके फिशरीज में मछली में आत्मनिर्भर, चूँकि राज्य सरकार का भी फोकस है कि मछली में स्टेट आत्मनिर्भर बने, तो इसको लेकर कैसे योजनाएँ आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्या कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं सर पूरे ज़िले में? फिशरीज से संबंधित हम लोग निरंतर दौरा कर रहे हैं कि जो भी ट्रेनिंग सभी लोगों को दी जा रही है उनसे विचार विमर्श भी किया जा सकता है, किया जाता है कि ट्रेनिंग उनके लिए लाभदायी है या फिर उसको हम अन्य और किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग के पास DMFT फंड भी मौजूद है जिसके तहत हम लोगों ने अभी अभी योजना पास। पोड़ाहाट जंगल के हरे भरे पहाड़ियों के बीच स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पंसुआ डैम में पर्यटन के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्र से लोग पहुँचते हैं। अब यहाँ बोटिंग शुरू होने से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही यहाँ बोटिंग का संचालन करने वाले स्थानीय मत्स्य सहयोग समिति के सदस्यों का रोजगार बढ़ेगा। अब मत्स्य सहयोग समिति के सदस्यों को भी उम्मीद है कि बोटिंग शुरू होने से पंसुआ डैम में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। और यहाँ रोजगार का कोई चारा नहीं था, हम लोग मोदी तालाब देखने गए, वहाँ कैच कल्चर से मछली पालन हो रहा है, हम लोग वहीं से देख के प्रभावित हुए और यहाँ के डीपो सर से संपर्क किए। 2018 को हम लोग का लाइसेंस बना और हम लोग अभी मत्स्य पालन कर रहे हैं। 50 केज लगा हुआ है, RFA लगा हुआ है और फिलहाल 2 बोट भी मिला है। हम लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट आ रहा है इसमें। बांस काटा का प्रॉपर अभी मछली मार के ही जीविका अर्जन हो जा रहा है। कितना परिवार जुड़े हुए हैं और उनका बदलाव क्या आया उनके जीवन में जब मछली से अगर आय हो रहा है, आमदनी हो रहा है? पहले तो यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय था, अब जब ये सिस्टम हम लोग चालू किए तो हर घर अभी खुशहाल है, हर घर में चूल्हा जल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बच्चा सब भी अच्छा जगह में पढ़ा रहा है लड़का लोग। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने ग्रामीणों से अपील किया कि किसी भी तरह की समस्या हो तो वह प्रखंड मुख्यालय में संपर्क करें, फिर भी समाधान ना हो तो वह चक्रधरपुर अनुमंडल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। क्या यहाँ पे और हम लोग कर सकते हैं, क्या यहाँ पे टूरिज्म की व्यवस्था कर सकते हैं, क्या यहाँ पे मछली पालन की व्यवस्था कर सकते हैं? विकास की गई है और जा रही है, उसी क्रम में यहाँ का जो मछली पालन और मछली विकास के लिए जो है उसी क्षेत्र में एक एक सराहनीय कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग और चीज की जरूरत है और बहुत ही का बात है कि इसी तरह इसके लिए इच्छुक हैं और भी इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उनको हम लोग करते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में हम लोग वन पट्टा वगैरह इस क्षेत्र में बहुत सारे बात अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज़ टाइम्स के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।